भगवान, सीताराम सीताराम राधे सब। ऐसे तो क्या करें, मोबाइल चला चला तो मैं थक गया है। मेरा पति देव जन है तो वो भी बाहर है, मन ही नहीं लग रहा है घर पे। मगर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कौन है कौन नहीं है। अच्छा आवाज लगाते हैं, अरे कोई है घर पे? नहीं है। अच्छा यार तू रही सन्ना बाबा, हम मस्त रहो, दंदनात रहो, आइए घर पे, आइए घर पे। अरे हम चलता फिरता बाबा हैं, कुछ 10-5 मिल जाता है तो दे रहे हैं ना, तो चलिए बैठे आराम कीजिए थोड़ी पास में। अब देखो घर में तुम अकेली हो का, और इसीलिए ना, इसीलिए घर में जाना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, चलिए ना। क्या करें, वहाँ बैठी है। अब वहाँ हाँ। वहाँ से यहाँ, अच्छा ठीक है, चलो चलो बैठ गए बच्ची। हाँ ठीक है बाबा। अब मतलब इसको, अरे इसको काहे को हटा रही हो? ठीक है बाबा। कहाँ जा रहे, बैठे हो? हाँ ठीक है बैठे हैं, पानी पाना लेते हैं। अब देखो इस समय प्यास नहीं है। वो क्या है ना बच्ची, हमको मतलब अपने दिल की बात तुमसे बता रहे हैं कि आजकल जमाना बहुत रद्द हो गया है, समझ रही हो? अब बाबा जो है किसी के घर में ऐसे नहीं बैठता है। अब तुम जैसे कि बुला दी हो ना, तो बाबा मतलब यहाँ आ गया है, लेकिन बाबा जो है ना यहाँ आके सोच रहा है कि कोई मतलब कोई जानेगा, कोई देखेगा तो कहेगा घर में क्या कर रहा है। कोई बात नहीं है बाबा, वो तो तुम्हारे देखने में कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन बच्ची बैठो ठीक वहीं पे। हाँ लेकिन अगल बगल जैसे कि सबका नजर एक जैसे नहीं ना है, हमारी कहने का मतलब ये है जैसे अगल बगल के लोग समझेंगे ना कि बाबा अकेले मतलब घर में, वो भी तुम जैसे मान लो सुंदर जवान खूबसूरत औरत हो, तो लोग सोचेंगे कि बाबा अकेले घर में क्या कर रहा है, समझ रही हो ना? इसलिए देखो पानी पानी लेते हैं बाबा, क्या है ना, हाथ उधर रखो ना, इस समय जो है ना हम बाबा को प्यास नहीं है, कुछ खाना लेते आए, कुछ पानी लेते आए। उसकी बच्ची उसकी जरूरत नहीं है, हमको तो लग रहा है इसके नियत में कुछ खोट है, बाबा यहाँ आकर फंस गया। वो सोच रहे है ना कि मतलब इतना खूबसूरत सुंदर औरत है और अकेले है घर में, कोई और नहीं है क्या? नहीं बाबा कोई नहीं, वहीं पर बैठो ना, वहीं पर बैठो। वही सोच रहे हैं कि अकेले कैसे मतलब तुम्हारा टाइम पास होता होगा, और कोई अच्छा बात नहीं, नहीं लग रहा है बाबा? ठीक लग रहा है माँ, मैं यहाँ तो बहुत सुंदर लग रहा है, गर्मी लग रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो पता ना क्यों ना हम जैसे कि अकेले में तुम ऐसे बैठी हो ना, ये सट रहा है शरीर में शरीर ना, तो बाबा का जो है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो रहा है। बाबा जैसे कि अकेले में औरतों से, वो भी खूबसूरत औरत से अकेले में घर में बैठा है ना, इसलिए थोड़ा हड़बड़ाहट है बाबा। अरे बच्ची उधर ही बैठो ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं रहता है, हम अकेले में रहते हैं। अच्छा अकेले रहती हो तो भी ठीक है, यहाँ या बहुत जगह है बच्ची, उधर बैठो। क्या है ना, इधर आइए, उधर आने की क्या जरूरत है? इधर आइए, कोई बात नहीं है, इधर आइए। अरे ठीक है यहाँ पर जगह नहीं गिरेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं ना कि देखो बच्ची, जो भी मतलब बाबा को दान करना चाहती हो 10-5 अपने हाथ से ना, नहीं 10-5 हो तो कुछ चावल आटा हो, मतलब वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाबा ऐसे ही आशीर्वाद दे देगा, खूब भले रहो। हम सब कुछ देंगे ना बाबा आपको। सब कुछ? कितना भोली भाली बच्ची है, कितना अच्छी, जौन आपको मन करे, जौन आप चाहिए सब कुछ दे देंगे हमको बाबा। बच्ची ज्यादा कुछ नहीं, हम जो कहे है ना उसको समझो, बाबा को क्या चाहिए दूसरा, बस थोड़ा सा सीधा उधा मिल जाता है,
और 10-5 रुपया मिल जाता है बाबा, चलता रहता है। कहाँ टाइम हुआ है, भागे भागे जा रहे हैं, हम चल जाएंगे क्या? अरे ठीक है ठीक है, वो क्या है ना, क्यों घुसू के जा रहे, गिर जाए अभी। अरे नहीं गिरेंगे, इधर आइए। क्या है ना कि बाबा समय से जाएगा कुटिया पर ना, तो चेताएगा, लिट्टी चोखा बनाएगा, चेताएगा, पाएगा। हम बना दे रहे हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। आप कौन से खाने के लिए बोली, हम वो भी बनवा दे रहे हैं बाबा, यहीं पर। हाँ यहीं पर। तब तो समझो कि आज हमको अपने हाथ से रोटी नहीं सेकना पड़ेगा। बाबा जो है कि ना टिक्कर, साधु बाबा का टिक्कर कभी खाई हो? नहीं। कभी तुमको समय मिलेगा ना तो हमारे कुटिया पे आना, ठीक है? तुमको टिक्कर खिलाएंगे और वो दाल का, रहर वाला दाल, और उस पे जो है चोखा आलू भंटा का, जब तुम खाओगी ना तो बार बार कुटिया पे आओगी बाबा से। तो जब जाए, जब आप जाइएगा तब हम आएंगे। फिलहाल आप का खाइएगा बाबा? देखो इस समय बच्ची यहाँ पे हाथ रख रही हो ना, तो बाबा का देखो बाबा पसीना आ रहा है। हाँ, क्या है ना कि बाबा जो है कुटिया बड़ा कर रहता है ना, और औरतों के पास तो रहता नहीं है, और तुम जैसे कि भोली भाली औरत हो ना, तुम्हारे पास बाबा आया है ना, तो पता ना क्यों अब बाबा को वो हो रहा है, ऐसा है ना कि देखो हम चल रहे हैं वहाँ पे बैठ रहे हैं। अरे बैठिए ना, समझो कोई अगल बगल से कोई नहीं आएगा यहाँ पे, तुम्हारा भी इंसल्टिंग होगा। कोई नहीं है यहाँ पे, हम अकेला बस रहते हैं। अकेले रहती हो? हाँ अकेले रहते हैं। अब तुम्हारा पति विदेश रहता है? विदेश रहता है। बच्ची हम तो देख रहे हैं कि मतलब भगवान भी क्या लोगों के साथ न्याय करते हैं। हाँ बताओ, तुम इतना खूबसूरत औरत हो, इतना भोली भाली खूबसूरत, इस उम्र में इस समय में तुमको मतलब अब पति विदेश है, अकेले काटना पड़ रहा है, और पति भी तुम्हारे लिए ना कमा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक काम है ना बच्ची, अब बाबा को यहाँ रहना वो मतलब उचित नहीं लग रहा है, बाबा चल रहा है बाहर में बैठ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बच्ची, तुम बार बार बैठा रही हो ना, बाबा को जैसे कि ये हो रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है। सुनिए, शादी हो गया? शादी? बाबा लोग शादी करता है? शादी वादी नहीं किए हैं? नहीं नहीं, हम अकेले कुटिया पे रहते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं ना, तो हम अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छी तो लग रही हो, हटाओ ना, हम तो कहे हैं ना तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। हम अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, भगवान तुमको खूब सुंदर बना। ठीक है, देखो समय के हिसाब से सब चलता है ना, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उधर क्या, एक काम है ना कि ऐसा है, बाबा यहाँ नहीं रुकेगा, तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगा, बाबा अपने यहाँ जाके भोजन बना लेगा। आपको अच्छा? देखो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब भगवान, देखो मुझे क्या कर रहे हो, भगवान सीताराम सीताराम राधे सब, क्या कर दी बच्ची। बाबा कहीं का नहीं रहा, आज तक का जितना पूजा पाठ तपस्या था सब सब मिट्टी में मिल गया। घर जाना? अरे आप क्या बोल रही हो हमसे, कुछ मत बोलो हमसे, मैं नहीं सोचा कि तुम ऐसे बाबा के साथ करोगी। देखो ना जो मेरे साथ की हुई, ठीक नहीं की हो बच्ची, हमें तो इतना जरूरत था। चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे वाह, ऐसे तो खोज रहे थे बाबा, ये पूरा हो गया है।